कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने, तो राकेश टिकैत ने कहा कि पहले हमारी कोर कमेटी फैसला लेगी, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की भी बात कही राकेश टिकैत ने। सुनिए क्या कुछ कहना था। किसान और सरकार किसी फैसले पे नहीं पहुंच रहे हैं, हमारे साथ राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि फिलहाल हम सस्पेंड भी कर सकते हैं कानून, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल को या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आपको मान्य होगा? कमेटी बात करेगी, ठीक है। हमने सस्पेंड पे तो बात करी नहीं कभी भी, हमने तो कानून वापसी पे बात करी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हालात हैं उनको देखते हुए अगर वो एक कमेटी बनाती है और तब तक के लिए कानूनों को स्थगित कर देती है, तो क्या लगता है आपको, ये बात आप स्वीकार करते हैं? अभी वहाँ पे लीगल लोग हैं हमारे और हमारी एक कोर कमेटी है, वो उस पर जो निर्णय लेगी, क्योंकि कानूनी पहलू का तो उनको पता है, हमने तो हड़ चलाई, कानून की किताब तो नहीं पढ़ी, तो कानून का पहलू क्या है। कोर्ट तो भाई भगवान का रूप होता है कोर्ट, हाँ। आपको लगता है कोर्ट भरवा, नरेश जी ने कहा कि कई ऐसे किसान संगठन हैं जो ज्यादा अड़ जाते हैं, उनके कारण बातचीत नहीं बन पा रही है। ये तो सरकार कह रही थी कि हमारे पास में बहुत संगठन है, वे अड़ रहे और वे मान नहीं रहे। हमने उनको कहा उनका नाम बता दो हमको, यही तो नरेश जी ने कहा। सरकार बार बार कहे कि हमारे पास में संगठन है जो बिल का समर्थन कर रहे और वे ये कह रहे कि बिल वापसी नहीं लेना। हमने उनसे कहा सरकार से कि भाई आप उनके नाम पता बता दो, हम भी मिल लेंगे उनसे, कौन सी टेक्नोलॉजी से खेती करी और किस मंडी में उन्होंने अपना अनाज बेचा। राकेश जी, क्या आपको, आप क्या समाधान लगता है कि आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, 26 तारीख में, हाँ 26 जनवरी, अभी आप इस मामले में अडिग हैं कि एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर? हाँ, तो क्या दिक्कत है? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।